सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने वालों को सलाम। उसके बाद जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फिर ज़रूरी थोड़ा समझा वीडियो बनाना, क्योंकि ये चीज़ जब स्टूडेंट होते हैं हम लोग, तो हम लोगों को नहीं बताई जाती, ठीक है। जब मैं भी ये स्टूडेंट थी, खैर स्टिल हूँ, लेकिन जब ये हम लोग कर रहे थे ना, तब हम लोगों को भी नहीं बताया जाता था, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस एम यूसुफ बीएससी का है, ठीक है, फोर्थ चैप्टर ये है चैप्टर, और इसकी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें ये आता है गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड सिर्फ एक नाम है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये इस तरह लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, ठीक है। उसको हम लोगों ने ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, इनको ना रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म क्या है, ठीक है, एक एचलन फॉर्म होती है जो हम लोग इससे गॉस जॉर्डन मेथड जब हम लोग नहीं कर रहे होते ना, ये रिड्यूस एचलन फॉर्म जो है वो स्पेसिफिक होती है गॉस जॉर्डन के लिए, ठीक है। जब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड ना कर रहे हों तो हम लोग सिर्फ एचलन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एचलन फॉर्म ये होती है कि हम लोगों ने इन सब एलिमेंट्स को, ये जो हैं यहाँ पर, इन सबको वन में करना होता है, ठीक है, और बाकी ये जो हैं ये वाले, ठीक है, इनको ज़ीरो करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ जो भी वैल्यू आती है ना, ठीक है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, रिड्यूस एचलन फॉर्म हम लोगों ने लेके कैसे आनी है, ठीक है, इसमें भी दो बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पर वन वन जो है हमारा आ जाता है, ठीक है, यहाँ हमारा ज़ीरो ज़ीरो भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारा आंसर ठीक नहीं आता, ठीक है। और ये मोस्टली कॉमन चीज़ होती है कि हम लोग रिड्यूस एचलन फॉर्म तो ले आते हैं लेकिन हमारा आंसर ठीक नहीं आता, ठीक है। अब हमारा आंसर ठीक क्यों नहीं आता, ठीक है, उसके लिए फिर मैंने ये, जब ये हम लोग को बताया तो नहीं गया था जब हम लोग स्टूडेंट थे, लेकिन जब मैंने ये करवाया तो फिर मैंने कुछ चीज़ें नोट की जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए, कि तब कि किस तरह हम लोग एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म भी लें और हमारा आंसर भी ठीक होए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो करना होता है, ठीक है, जो सबसे पहले, तो अगर तो जिस तरह इस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है, जैसे इसको मैंने सिक्स से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, इसको टू से किया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, इसको फाइव से किया क्योंकि ये सारा हो रहा था, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा होता कि उनको फाइव से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं, मतलब कि समथिंग इधर कोई नंबर होता और समथिंग इधर कोई नंबर होता, ठीक है ना, तब हम लोग जो है ना वो अवॉइड करते हैं इस तरह करने से, डिवाइड करने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई रैशनल जो नंबर है वो नहीं आया, ठीक है, इसलिए फिर डिवाइड कर देना बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले, अब ये दूसरा पहला स्टेप हुआ, उसके बाद फिर सबसे पहले ये जो ये वाले होते हैं ना, इनको ज़ीरो करना है, ठीक है, यहाँ पर वन है तो बेस्ट है, ठीक है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें वैसे ही, ठीक है, जो नंबर है ना यहाँ पे उसको वही रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये इधर ज़ीरो किया, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले इसको ज़ीरो करने के बाद ये नहीं करना कि हम लोग इसको ज़ीरो करना शुरू कर दें, ठीक है, या इसको इसको वन करके इसको ज़ीरो करना शुरू कर दें या यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने इस तरफ को मूव करना है, ठीक है, इस तरफ को मूव करना है कि पहले यहाँ पे ज़ीरो कर दें फिर, ठीक है, फिर अगर यहाँ पे यहाँ जैसे ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिसेस है यहाँ तक, ठीक है ना, तो इसको वन कर दें, ठीक है, अगर ये फोर बाई फोर का होता तो हम लोग इसको भी ज़ीरो करते और फिर आगे चलते, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को मूव करें आप लोग। उसके बाद इस डायरेक्शन मूव करने के बाद पहले इस लाइन में जो भी ज़ीरो होता है उसको ज़ीरो करना है, जिस तरह भी, क्योंकि इस लाइन में सारे ज़ीरो हो जाते हैं, एंड वाइज लाइन में सारे ज़ीरो, सिर्फ लास्ट पे वन है, ठीक है, इस तरह सबको ज़ीरो करके लास्ट पे वन करें और फिर आगे मूव करें ऊपर को, ठीक है, देन मूव यू इन अप डायरेक्शन, देन यू विल मूव इन अप डायरेक्शन, ओके।
उसके बाद यहाँ पे वन करें, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ज़ीरो हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे वन करें, इसको ज़ीरो करें, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर मूव करें, ठीक है। अगर यहाँ पर है ये जैसे 3x3 का है, ठीक है, तो इन दोनों को करने के बाद इसको करें, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ अगर कोई बड़ा होता यहाँ पे, ठीक है ना, तब इसको भी करने के बाद, ठीक है, सारी वैल्यूज़ इसमें भी वन और ज़ीरो सारे करने के बाद आगे मूव करना, ठीक है। ऐसे यहाँ किया, इसके बाद इधर को, ठीक है, उसके बाद इधर को मूव कर चुके हम लोग, फिर इधर को किया, ठीक है, दूसरी में जो भी ज़ीरो होना था उसको ज़ीरो किया, जो भी वन होना था उसको वन किया, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, कोई मसला नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली में मूव करना है, ठीक है, जैसे इधर करें इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप लोगों के यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। इधर जो भी वैल्यू हो उसको आप लोग प्लस माइनस करके, या मल्टीप्लाई भी किसी से होता है, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस कर लें, ठीक है ना, बहुत सारा कुछ ईजी हो जाता है। जब तक आप लोगों के ये और ये ज़ीरो नहीं हो जाते, आप लोगों ने पहली लाइन को तो छेड़ना ही नहीं है। पहली लाइन को आप लोगों ने सिर्फ तभी यूज़ करना है जब इनको ज़ीरो करना है, रिड्यूस एचलन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों का ये इधर सारे में अचीव हो जाएगा ना, फिर आप लोगों ने ऊपर वाली को छेड़ना है, उस तरफ मूव करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो भी एचलन फॉर्म बन गई, ठीक है, ये हमारी सारी एचलन फॉर्म हो गई, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, सॉरी, ठीक है, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में हमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक्स वन की ये वैल्यू हो गई, एक्स टू की ये वैल्यू हो गई, एक्स थ्री की ये वैल्यू हो गई और हमारे आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये साइड पे लिखा भी था पहले जो वीडियो में, कि अगर हम लोगों ने चेक करना है, हमारे पास जब हम लोग वैसे अपना करते हैं होमवर्क वगैरह, तब तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम लोग चेक कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में भी आप लोगों के पास इतना टाइम है तो इट्स गुड, ठीक है। आप लोग जो भी एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू आई है, इसको अपनी इस क्वेश्चन में पुट करें, किसी एक में भी, ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा ही टाइम है तो कोई मसला नहीं, आप तीनों में करके देख लें, ठीक है। आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आंसर, ठीक है। अगर तो ये सेटिस्फाई होती है ये कंडीशन, ठीक है, तब आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पूछ हो जाएं। बेशक फिर आंसर आप लोगों का वो नहीं आ रहा जो आप जो बुक के पीछे दिया हुआ है या कैसे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, बस आप लोगों की ये जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरीके से करने से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने फील किया है, ये जब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को ही पता होगा और हम लोगों पर भी ये गुजरी है कि हम लोग को ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है। और तब फिर वो सिचुएशन होती है कि हम लोग कहते हैं कि जैसे ही टीचर हाथ लगाता है तो क्वेश्चन सही हो जाता है, हम करते हैं तो हमसे होता नहीं है, ठीक है। वो यही मसला होता है कि हम लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है और एक स्ट्रेटजीज़ खुद बनाने की ज़रूरत होती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और हर क्वेश्चन को ना मोस्टली इसी तरीके से करें, ठीक है, कि पहले इधर को मूव करने के बाद इधर को करें, फिर इधर को करें और फिर ऊपर वाले जो लाइन है उसको करें, तो आप लोगों का 90% जो है वो सारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व मैंने किया है वो ये किया है कि अगर आप लोगों का दरमियान में जो आप लोगों की कैलकुलेशन है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो आप लोग देखें कि आप लोगों ने पीछे क्या गलती की है, तो मस्ट पीछे भी कोई ना कोई प्लस माइनस की इस तरह गलती होती है, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो है ही नहीं, ठीक है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रही थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की, एक और चीज़, ठीक है, वो ये कि गोज जॉर्डन की इन्हीं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ फर्स्ट लाइन की कुछ ऐसे है, 2, 3, 4, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऐसे, और समथिंग इधर कुछ भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है इधर,
इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे सॉल्व नहीं करना कि हम लोग पहले किसी में वन ले आए, फॉर एग्जांपल आर वन माइनस आर टू करके, ठीक है, इधर माइनस वन आता है, ठीक है, या हम लोग आर थ्री करके, आर थ्री माइनस आर टू करके वन ले आए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग शफल कर लेंगे अपनी रोज को, ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, ऐसे करेंगे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर ठीक आ ही नहीं सकता। आप लोगों ने जस्ट पहला स्टेप ही ये करना होता है कि अगर तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में वन है, आपके मैट्रिसेस आपने ऐसे बनाया उसमें वन आ रहा है, किसी में भी इधर वन आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, कहीं आ रहा है, ठीक है, तब आप लोग उसको शफल करें, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो उसको ऐसे ही कंटिन्यू करें जिस तरह यहाँ पे टू आ रहा है ना, ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ इसको ज़ीरो करें और इसको ज़ीरो करें, इसको ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, इसको टू आर टू माइनस थ्री आर वन, ठीक है, ये करने से हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इसको ज़ीरो करना है तो हम लोग कर सकते हैं टू आर थ्री माइनस फोर आर वन, ठीक है, ये करने से हमारा यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टू को वैसे ही रहने दें, ठीक है, आगे चल के टू पे डिवाइड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, हमारा इधर वन हो जाएगा, ठीक है, ये लेकिन ये वाला जो तरीका है ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, इस तरह, वरना आपके क्वेश्चन का जो है आंसर है वो सही नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर सिमिलरली इधर को मूव करें, यहाँ पे वन करें, आगे ऊपर जाएं, ठीक है, इसको ज़ीरो करें, इसको वन करें, फिर आप ऊपर जाएं, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ ऐसा इनमें टफ नहीं है, सिर्फ यही दो चार बातें थी जो इनमें ज़रूरत थी मुझे लगा के बताने की, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बना रही हूँ, और होप सो के आप लोग समझ सकें, कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मैथ नाम ही जो है वो प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस के बिना तो आएगा नहीं, तो इसलिए आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा करें प्रैक्टिस, तब भी आएगा, और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।